हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी आईब्रो शेप। तो किस तरीके से करनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। मेरे दोनों आईब्रोज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये देखिए, ये वाली आईब्रो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ से ये वाली ज़्यादा निकली हुई है और ये वाली ठीक है। तो सही शेप में लाने के लिए आपको क्या करना है, मेरी आईब्रो की ग्रोथ भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आती है, तो क्या कर सकते हैं, है तो है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं अभी अपनी थ्रेडिंग करने वाली हूँ। अगर आप भी सेल्फ थ्रेडिंग खुद से करना चाहते हो, खुद से थ्रेडिंग करने का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपको मतलब धागा चलाने आ जाए उसके बाद से आप खुद से थ्रेडिंग करो तो बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपकी आईब्रो की जो पहले आप धागे से इस तरीके से नाप के देखिए कि आपकी आईब्रो कहाँ से एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से मेरी आईब्रो सेम लग रही है, तो यानी कि ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। नीचे से मेरी आईब्रो यहाँ से एक्स्ट्रा निकली हुई है, इसी में दिक्कत है। हाँ, ये देखिए, जब मैं ऐसे धागा लगा रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से इतना आईब्रो मेरा एक्स्ट्रा निकला हुआ है और इधर का बराबर है। तो मुझे यहाँ से आईब्रो जो मेरी एक्स्ट्रा निकली हुई है वहाँ पे मैं पेंसिल लगा दूँ, मुझे यहाँ के हेयर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ओके, अभी सेम लग रही है, लग रही है ना? तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी हेयर को टच नहीं करना है। ओके, इसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी तो मेरी आईब्रो दोनों सेम बन जाएंगी और एक इक्वल लगेंगी। तो अभी मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा लाइन सी बना लेती हूँ जहाँ से मुझे हेयर निकालने हैं। ओके, तो ऐसे मुझे थ्रेडिंग बनानी है अपनी। ये तो हमारी आईब्रो इक्वल होगी, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको लाइन बना लेनी है। अभी इस तरीके से आप आईब्रो बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगी, इस लाइन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। इतना आपने कर लिया, उसके बाद से आपको क्या करना है, जो भी आपके एक्स्ट्रा है, मेरे इस वाले आईब्रो में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा हेयर है, तो उसको आपको कट कर लेना है। छोटी वाली सीजर ले लीजिएगा, मेरे पास अभी छोटी वाली सीजर नहीं है, मैं इसी से काम करती हूँ तो मैंने यही वाली ले रखी है। तो ये कट कर देने के बाद से क्या होगा कि जब आप मतलब हेयर निकालोगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप दूसरों का थ्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किस तरीके से धागा पकड़ना है। एक धागा आपको इस तरीके से मुँह में लेना है, यहाँ से आपको पांच बार लपेटना है, 3 4 5, और इसमें दो फिंगर में इस तरीके से लपेटना। पहले आप फास्टली धागा चलाने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद अपने पैर पर दूसरों के हैंड पर इस तरीके से धागा हेयर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, जब आप कोशिश कर लोगे मतलब आपको धागा चलाना आ गया, उसके बाद ही आप ट्राई करोगे दूसरों का आईब्रो बनाने के लिए। और ख़ुद का बनाने के लिए आपको इस तरीके से धागा लेना है अपने हैंड के अकॉर्डिंग, मतलब आप अपना जो आपका माथा होता है यहाँ से आप इतने हेयर ले लो। ओके, मतलब सॉरी, इतना धागा ले लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको धागा तोड़ना कितना है। इतना धागा हमको तोड़ लेना है। सॉरी, मैंने दांत से ही तोड़ लिया, कैंची से आप काट लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ से इसको बांध देना है, गांठ लगा देनी है। अब इसको 5 बार ऐसे लपेटना है। सॉरी, गांठ खुल गई, दोबारा से मैं इसको बांध लेती हूँ। अच्छे से गांठ लगाने के बाद से गांठ को आपको इस साइड ही रखना है, बीच में आपके गांठ नहीं आनी चाहिए, ऐसे रखना है। और उसके बाद से अपना थ्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। जब आप यहाँ का थ्रेडिंग करें तो आपके धागे का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ओके, और जो आपने लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर ही हेयर निकालने हैं, अंदर बिल्कुल भी नहीं निकालना। ओके, और जिधर आपको मतलब इधर के हेयर निकालने हैं तो आपको इस वाले हाथ का धागा जो होता है उसको बड़ा रखना है और इधर वाले को छोटा रखना है। यहाँ पे निकाल दे तो धागे का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने पूरे फोरहेड के हेयर को निकाल सकते हो। काफ़ी कमेंट आता है कि मैम फुल फेस थ्रेडिंग की बताइए, तो आप इसी तरीके से अपने फुल फेस की भी थ्रेडिंग कर सकते हो।
इस तरीके से मैंने इस साइड के ऊपर के हेयर को निकाल लिया है। अब आपको इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर के हेयर को निकालना है। ओके, तो मैं दूसरी तरफ का भी बना के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये मैंने दोनों साइड से ऊपर के हेयर को सेट कर लिया। अब नीचे वाले हेयर को आपको निकालने के लिए आपको इस तरीके से अपने आईब्रो को टाइट करना है, इस वाले हाथ के हेयर धागे को बड़ा करना है और एकदम आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक लाइन में हेयर को रिमूव करते जाना है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ का निकालने के लिए आपको धागे का डायरेक्शन ऐसे रखना है, बीच का निकालने के लिए आपको सीधा रख लेना है। यहाँ का निकालने के लिए आपको इस तरीके से रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैं हेयर को निकाल रही हूँ। आप वीडियो आराम से देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कितने आराम से बना रही हूँ मैं। आपको भी एकदम आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस तरीके से मैं एक आईब्रो की पूरी थ्रेडिंग आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। खुद की थ्रेडिंग जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी एकदम बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा हेयर अच्छे से निकाल दिया है। यहाँ से आपको निकालने के लिए ऐसे लेके जाना था, और बीच में निकालने के लिए आपको सीधा रखना है, और यहाँ का निकालने के लिए आपको इस डायरेक्शन में धागे को रखना है। ओके, तो इधर का मेरा थ्रेडिंग ऑलमोस्ट डन है, एक हेयर यहाँ पे बचा हुआ है तो इसको निकालना है। तो ये पूरा आईब्रो मेरा इधर का अच्छे से बन गया। अब इधर का बाकी है तो इधर का मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी दोनों साइड की आईब्रो अच्छे से सेट कर लिया, आप देख सकते हो। तो अभी इस तरीके से सेल्फ आईब्रो बना सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस दूंगी कि अगर बाहर जाके पार्लर में बना सकते हो तो पार्लर में बनवाइए, क्योंकि कितना भी क्लियर ही बना लो लेकिन खुद से वो फिनिशिंग नहीं आती है जो कि पार्लर में हो जाए या फिर कोई और कर रहा है तो हो जाए। ओके, हाँ, काम चलाने के लिए अगर आप ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, तब आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, बहुत अच्छा लुक भी पा सकते हो जैसे मैंने बनाया है, लेकिन एकदम फिनिशिंग चाहिए। छोटे छोटे जो हेयर रह जाते हैं वो खुद से नहीं रिमूव हो पाते हैं, तो आप उसको उसके लिए अगर पार्लर में जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एडवाइस दूंगी कि पार्लर में जाके बनवाइए, अदरवाइज अगर आपको जल्दी है
कहीं जा रहे हो और टाइम नहीं मिला पार्लर जाने के लिए, तो आप इस तरीके से मेरा वीडियो देख के खुद से भी अपना थ्रेडिंग बना सकते हो। मैंने अदर मतलब दूसरे लोगों का भी बहुत सारा वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, जो मैंने जुओ और लिंक वाली टिप्स बताई थी, 100% वर्क करता है गाइज, एक यूज में ही आपका सारा जू खत्म हो जाएगा। जू अब्रिक्स और टॉप सीक्रेट है, जाके जरूर वीडियो चेकआउट कीजिएगा। राउंड फेस, अंडाकार फेस, अलग अलग टाइप्स के फेसों पे हेयर स्टाइल कैसे करते हैं, वो सारी वीडियोज भी मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ, बहुत सारी अपलोड भी की हुई है, तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा। और मेरे आईब्रो का शेप कैसा आया है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए।